देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं बाबू के साथ मैं मौजूद हूं विंद व्यापारी महासंघ के कार्यालय, मैं कार्यालय का नाम इसको ना कहूं तो बेहतर है। कोरोना वायरस का कहर पूरे देश दुनिया में छाया हुआ मेरे चारों तरफ, मैं आपको दिखाऊं आपके टीवी पर इस समय जो नजारा आप देख रहे होंगे, आपको देखकर सुनकर आश्चर्य होगा। एक अच्छी खबर जो यहां पर लगातार पिछले कोरोना काल में यहां पर जिस तरीके से यहां पर दिखाया जा रहा है, जिस तरीके का यहां पर लगातार यहां पर प्रकोप है, उसको लेकर यहां के व्यापारियों ने एक ऐसी पहल की जो एक मिसाल बन सकती है देश में प्रदेश में। ये बताइए आपका नाम क्या है और आपने ऐसा क्यों सोचा? चंदीराम केसवानी मेरा नाम है। हम लोगों ने ज़रूरतमंद को देख के ये सोचा कि भाई हर ज़रूरतमंद को खाद्यान्न दें, जैसे कोई भूखा ना सोए। हमारे श्री आदरणीय राजेंद्र, कोई भूखा ना सोए, एक ऐसी बात जिसको हर आदमी सोचता तो है लेकिन जब करने की बात आती है तो शायद सोचता ही रह जाता है। भैया क्या नाम है आपका और ये आपके दिमाग में, आप लोगों के कैसे दिमाग में, कैसे आपने ये संगठन बना के काम ये किया? हमारा नाम पप्पू मंजानी है और ये विंध्य व्यापारी महासंघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं नरेश काली जी, ये शुरू से ही सबका साथ लेके और भैया जी की प्रेरणा द्वारा, भैया राजेंद्र शुक्ला जी की प्रेरणा द्वारा हर समाज के वर्ग को हम लोग खाद्यान्न वितरित करते हैं और वहाँ जहाँ हमको फोन आती है वहाँ तक पहुँचाते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं हर समाज। देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं, किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो, हमें सबको खाना देना है। हम उस तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जिसके पास इस कोरोना काल में दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं है। क्या नाम है और बताइए किस तरीके से आपने अभी इस बात को आगे बढ़ा रखा है? बस यहाँ हर ज़रूरतमंद को खाना मिले और कोई भूखा न सोए, यही भावना रखते हुए और हर ज़रूरतमंद के लिए पैकेट बना के और उनको दिया जा रहा है। आगे की क्या योजनाएं हैं? आगे भी अभी यही अनवरत चलती रहेगी जब तक इस कोरोना काल में लोगों को दिक्कत पड़ रही है, तो हम लोग उनको बांटते रहेंगे जब तक। देखिए जब तक, ये एक बड़ी बात, इन दो शब्दों में बहुत से अर्थ छुपे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है जब तक कोरोना काल चलता रहेगा और जिस तरीके से यहाँ कोई भी भूखा रहेगा, हम अपने गोदाम को नहीं बंद करेंगे, उन तक खाना पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय इस पूरे जो भी व्यापारियों का जो एक कारवां है उसको जोड़ने वाले नरेश काली भी हैं। नरेश जी, कितने लोगों को आप बांट चुके और जैसा कि पिछले साल से चल रहे हैं, तो कैसे आप फंडिंग कैसे करते हैं जरा ये समझाइए। कोविड-19 शुरू हुआ था जब, तो 2020 में उनको याद आया कि हम लोग एक महीने से जो लॉकडाउन अनवरत चालू रहेगा तो उसमें मीडियम परिवार ज़्यादा पिसेगा। क्या है ना, गरीबों को राशन कार्ड वितरित है तो उनको गल्ला गेहूँ मिल जाता है, बड़े परिवारों में हैं तो उनकी रोजी रोटी जो रोज़ कमाने वाले हैं उनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी। तो पिछले साल उन्होंने हज़ारों लोगों को घर घर पहुंचा के प्रशासन के माध्यम से, हम लोग प्रशासन में का सहयोग लेते हैं, कहीं भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का नुकसान ना हो, इसलिए उनके जरिए बांटते थे। तो अनवरत हज़ारों लोगों को पिछले साल बांटा गया। इस वर्ष थोड़ा सा कोरोना वायरस की वजह से घबराहट थी क्योंकि गंभीर थी स्थिति, इसलिए हम लोग निकल नहीं रहे। 15 दिन निकल चुका था, लोगों को मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए दबाव आने लगा कि इस बार सब व्यापारी संगठन सोए हुए हैं। तो आदरणीय विधायक राजेंद्र शुक्ला जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आप शुरुआत करिए, अब लोगों को रोकना जरूरी है घर में क्योंकि वो 15 दिन से भूखे हैं। मैं बीच में आपको रोकूंगा, मैं अभी आपसे और बात करूंगा। लोगों को घर पे अब रोकना जरूरी है। प्रशासन ने जब यह तय किया, प्रशासन को जब ये लगा कि अब वो जरूरतमंद जिनके लिए दो वक्त की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल काम था, अब हम कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करा सकते हैं, तो उन्होंने सहारा लिया रीवा के व्यापारियों का। रीवा के व्यापारी जो रीवा में जब भी संकट आया हमेशा बढ़ चढ़कर आगे दिखाई दे। जी अपनी बात पूरी करिए। तो शुरुआत हुई तो मैंने एक मैसेज डाला सभी व्यापारियों से कि ये दाल आटा चावल जैसे बांटना है अपन को, अपन सक्षम तो है नहीं पर व्यापारी सब मिल गए अगर 1000-1500 पैकेट तैयार करते हैं, छोटी मुहिम शुरुआत कर दी। तो मैंने कहा 200 रुपये पैकेट एक तैयार करके जिसको जितना सहयोग है वो पैकेट उतना सहयोग करे। तो हमारी शुरुआत सिंधी सेंट्रल पंचायत से 100 पैकेट की शुरुआत हुई, उसके बाद हमारे बद्रिका मोटर्स के 100 पैकेट उन्होंने दिया, ऐसे अनवरत चालू कर करके
15 से 20 लोगों द्वारा हमको फोन कॉल किया गया। कितने पैकेट बांट चुके अभी तक आप? अभी तक 7 दिन में 1200 पैकेट बांट चुका हूँ, छोटे वाले। 7 दिन में 1200 पैकेट। अब मेरा आपसे एक जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसको हालांकि उन लोग भी जानना चाहते हैं जो जरूरतमंद तो हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके पैकेट में होता क्या क्या, किस तरीके से आप उस पैकेट को बनाते हैं? 2 पैकेट हमारे तैयार हैं, जिसमें 1 दिन का भोजन, 2 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, नमक और मसाला, कि वो छोटे परिवार को वहाँ पहुँच सके। और कुछ जैसे बड़े परिवार हैं, मीडियम परिवार हैं, 7-8 का परिवार है, उनके लिए 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 3 किलो दाल, 2 किलो तेल, मसाला, नमक, उनके लिए अलग तैयार है। वो 150 पैकेट हम लोग अलग से बोरियां बांट चुके हैं। बाकी ये 1200-1300 बोरियां हैं, ये मोहल्ले मोहल्ले या फ़ोन के जरिए घर घर पहुँच के बाँट रहे हैं। व्यापारी संघ ने तय किया जिसका जितना बड़ा परिवार उसको उतनी बड़ी सहायता। अलग अलग तरीके से पहले सर्वे किया, फिर उन तक पहुंचने की कोशिश की। इसमें उनको सबसे बड़ी मदद मिली प्रशासन की। प्रशासन भी यह चाहता था कि वो काम अकेले तो कर नहीं सकता, उसके पास हैंड्स की कमी थे, तो उसने माध्यम बनाया व्यापारी संघ को, और व्यापारियों ने वो कारनामा करके दिखा दिया जिसको आम तौर पर हर आदमी केवल सोचता है और केवल सोचता ही रह जाता है। व्यापारियों की बात तो सुनी लेकिन ये भरोसा नहीं हुआ कि वो देते क्या हैं। पड़ताल करने हम उनके उस गोदाम में मौजूद थे, हमने सोचा था वहीं चलेंगे, वहीं बात करेंगे। काली जी, अब जैसा कि आपने बताया आप 2 से 3 तरीके के पैकेट भी बनाते हैं, तो उन पैकेटों में जैसा आपने बताया कि अलग अलग परिवारों के हिसाब से अलग अलग आप सामान देते हैं, जैसे उनके हफ्ते 10 दिन 15 दिन के दाल रोटी का इंतज़ाम हो जाए, तो मैं ये चाहूँगा जरा अपने किसी को बोलिए वो हमको पैकेट खोल के तो दिखाएं, तो पता चले हमारे दर्शकों को, रीवा के लोगों को, कि व्यापारी किस तरीके का काम कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं उन पैकेटों की तरफ जहां पर अमित जी मौजूद हैं। इन पैकेटों में क्या है जरा दिखाइए, तो आप हमारे दर्शकों को दिखाइए पैकेट में क्या है, और बताते भी चलिएगा ये क्या है। ये 200 ग्राम का एक सरसों का तेल का पैकेट है, ठीक है, जिनका परिवार बड़ा होता है उनको ये किट में दिया जाता है, और साथ में नमक दिया जाता है 2 किलो, रिफाइंड तेल भी दिया जाता है 1 किलो, 3 किलो दाल दी जाती है, 10 किलो चावल दिया जाता है, और 10 किलो आटे का पैकेट दिया जाता है। 5-5 किलो के 2 पैकेट बने हुए रहते हैं। और छोटे पैकेट में क्या रखते हैं आप? जैसे ये तो बड़े परिवार के हुआ जी, छोटे पैकेटों में ऐसे ही बता दीजिए। छोटे पैकेट में दाल की क्वांटिटी, चावल की क्वांटिटी, तेल, ये क्वांटिटी कम रहती है, जिसमें 2-3 दिन के लिए अगर एक सिंगल व्यक्ति है तो 3-4 दिन तक आराम से वो खा सकता है। सारा सामान यही रहता है लेकिन बस क्वांटिटी कम कर दी है। सारा सामान यही रहता है जो आपने अभी अपने टीवी स्क्रीन पर देखा, बस उनकी क्वांटिटी घटा दी जाती परिवार के हिसाब से। 4 आदमी का परिवार तो इतना, 4 से ज़्यादा तो इतना। कहा जा सकता है व्यापारियों की यह पहल रीवा की से प्रारंभ हुई है, और हो सकता है इसका अनुसरण अगर देश प्रदेश के लोग करें तो इस कोरोना काल में उन लोगों तक एक बड़ी मदद पहुंचाई जा सकती है जिनको वाकई उस मदद की जरूरत थी। न्यूज नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी बाबू के साथ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।